ओम शांति। जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। बोझ उतारना है, सिर पर बोझा है, उतारना है तो मालूम भी है, पर याद की यात्रा कम है। सोचते सारे दिन में बहुत सारे कार्य रहते हैं तो याद नहीं कर पाते, तो रात को समय निकालो, सुबह जल्दी उठो, उस समय अपनी ड्रिल करो, अभ्यास करो। जिसको ये एहसास हो जाएगा कि मुझे कुछ करना है तो वो अपने आप प्रयास करेगा। हम देखते हैं कि ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, अपने ऊपर ध्यान बहुत कम है और दूसरों पे ध्यान बहुत ज़्यादा है। तो हम तो दूसरों का खाता ही देखे जा रहे हैं, अपने खाते की चिंता ही नहीं। राष्ट्र में तो अपने खाते से ही पद मिलेगा या दूसरे के खाते से पद मिलेगा? और ये बोझा जो सिर पर है ये भी अपने किए हुए कर्मों का है, दूसरों के कर्मों का नहीं। इसको भी खुद ही उतारना पड़ेगा। धारणा भी चाहिए, स्थिति भी चाहिए, तो याद की यात्रा करनी पड़े, ऐसा जोड़ रखना पड़े जिससे हमारी स्थिति बने। इसलिए जो बाबा ने महावाक्य सुनाते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और फिर उसे कर्मों में लाना चाहिए, ये भी सबको पता है। पर हम भूल इसीलिए जाते हैं क्योंकि बोझा सिर पर बहुत है, और बोझा होने की वजह से ध्यान बोझे की तरफ तो जाता है पर उतरेगा कैसे इस पर ध्यान नहीं जाता है। तो धारणा नहीं होती है, और जब धारणा नहीं होती है तो स्थिति नहीं बनती, और जब स्थिति नहीं बनती तो मनुष्य मूंझ जाता है। तो बाबा ने जो कहा है उस पर ध्यान देना है तो आगे बढ़े।